जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में 5 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा, तो वहीं दशहरे के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में 2 सालों के बाद बाजार भी सजेगा और सांस्कृतिक संस्थाओं का भी आयोजन किया जाएगा। ऐसे में दशहरा उत्सव में आने वाले सैलानियों, व्यापारियों व स्थानीय लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया जाएगा। कुल्लू नगर परिषद के द्वारा इसके लिए 2 ई-रिक्शा का प्रावधान भी किया गया है और बिजली से चलने वाले ई रिक्शा के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने का प्रयास किया जाएगा। कुल्लू नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि दशहरा उत्सव में ढालपुर में दुकानें सजती हैं और हर दिन हजारों लोग यहां खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में ई रिक्शा ढालपुर के चारों मैदानों में दिन भर घूमेगा और दुकानों के बाहर पड़े हुए प्लास्टिक व अन्य कचरे को भी ई रिक्शा के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। जैसे कि अपने दशहरे उपलक्ष्य में जो है ये ई रिक्शा जो है ऑटो ले आए जो कि बिजली से संचालित है, क्योंकि हमारे स्वच्छ भारत मिशन को जैसे हमारा अभियान चला है उसके तहत जो हमारा उसमें जो पॉल्यूशन जो है मुक्त करने के लिए उसमें ऑटो को जो हमने जो यहाँ लाया गया है। जैसा कि हमारा सारा ग्राउंड ढालपुर ग्राउंड आप देखें 4-5 ग्राउंड है, ये सब ग्राउंडों में घूमेंगे और इसमें जितना कूड़ा वगैरह हर चीज़ जो है इसमें कलेक्शन करेंगे और एक लक्ष्य करेंगे। इस तरह से नगर परिषद ने पहल की है तो हम चाहेंगे कि ये घूमते हमारी कामयाबी हो और इस ढंग से हम पूरा अगर ये हमारे और छोटी छोटी गली मिल जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि और जगह भी जाए, लेकिन नहीं तो ये हमारे पूरा दशहरा में जो है और उसके अलावा जो इसमें बाकी जो दिनों में जो आपने देखा ग्राउंड में बड़े काफ़ी हर चीज़ जो है प्लास्टिक है कोई विशेष कोई कलेक्शन के लिए हमने लाया। इसमें नगर परिषद ने पहल किया है हम कुल्लू को जो है पोल्यूशन मुक्त बनाना चाहते हैं, तो अभी तो फिलहाल 2 लाए अगर कामयाब होगा हम ये चलने में, क्योंकि अभी तक टेक्निकल पूरा ऐसा नहीं है कि चलेंगे, लेकिन लोगों का मानना है कि बिल्कुल चलेंगे और हमारा भी जो इंजीनियर स्टाफ है कहते हैं कि चलेंगे। अगर ये बाकी जगह अगर चलने में दिक्कत होगी चलाएगी प्राइवेट तो डाबलू ग्राउंड में हम चलाएंगे और दूर चले होगी तो हम जाएंगे।